हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन में। दोस्तों मैं सागर आज आपके सामने पॉलिटिकल साइंस के एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है राज्यसभा। तो मैंने इसके पहले आपको बताया संसद के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, उसके तीन जो मूल अंग हैं जैसे कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के बारे में। तो उसमें से मैंने लोकसभा और राष्ट्रपति आपको बता दिया, आज बताऊंगा राज्यसभा के बारे में। सबसे पहले जानते हैं, मैंने बताया था संसद किस आर्टिकल में आता है, किस अनुच्छेद में आता है। तो मैंने बताया था 79 अनुच्छेद में आता है। इसका ट्रिक भी बताया था कि कैसे अनुच्छेद को याद रखेंगे। फिर मैंने बताया लोकसभा किस अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 81 में आता है, 81 में आता है। बात करते हैं राज्यसभा किस अनुच्छेद में आएगा, तो ये आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 80 में आता है। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 80 में आपके राज्यसभा के बारे में वर्णन किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे आपको याद रखना है। कोशिश करना है किसी तरह से लिंकअप कर ले जिससे आपको याद रहे। जैसे आपको पता है संसद में ही तीनों भाग है, आपका राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो संसद का जैसे मैंने आपको ट्रिक बताया 79, तो 80 आपका हो गया राज्यसभा और 81 हो गया आपका लोकसभा। इस तरह से भी आप याद कर सकते। अब मैंने आपको लोकसभा में बताया था कि लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं। इसी तरह राज्यसभा को हम लोग किस सदन के नाम से जानते हैं, उस सदन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अगर बोले कि राज्यसभा का दूसरा नाम क्या है, तो राज्यसभा का दूसरा नाम उस सदन होता है। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, तो राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति जो है राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, प्रत्येक दो वर्षों में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य आते हैं, अतः राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। तो हर एक दो साल में क्या होता है ना, 1/3 जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के, वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मीन्स रिजाइन देना पड़ता है, उसके स्थान पर कोई दूसरे आते हैं, इसलिए कभी भी राज्यसभा भंग नहीं होता। ठीक है, इसीलिए राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्थायी सदन किसे कहते हैं, परमानेंट हाउस। तो आपसे पूछेगा तो राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता, इसे याद रखिए फ्रेंड्स। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल मैंने बताया था 5 साल होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। ठीक है, अब क्या हो गया, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना हो गया, 6 वर्ष हो गया। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। याद रखिए कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होता है। अभी प्रेजेंट टाइम पे उपराष्ट्रपति कौन है, तो एम वेंकैया नायडू है, तो वही अभी राज्यसभा के क्या है, सभापति है। अब योग्यता क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, तो योग्यता में भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। लोकसभा में मैंने बताया था कि भारत का नागरिक, उसमें भी योग्यता था द सिटीजन ऑफ इंडिया। और दूसरा योग्यता है न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष हो, किसका, राज्यसभा का। और लोकसभा में क्या था, न्यूनतम आयु था 25 वर्ष। अब चलिए बात करते हैं अधिकतम सदस्य के बारे में। अधिकतम सदस्य के बारे में बोले तो 250 क्या होता है, अधिकतम सदस्य होते हैं, कितने होते हैं फ्रेंड्स, 250। वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिसमें 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। याद रखिएगा, राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और लोकसभा में 2 सदस्य जो कि एंग्लो इंडियंस होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। 245 में से 12 राष्ट्रपति द्वारा हो गया, 233 बचा, 233 में से 229 जो होगा राज्यों के सदस्य होंगे और 4 जो बचेगा केंद्र शासित प्रदेशों में के सदस्य होंगे। इसे याद रखिए, तो अधिकतम सदस्य कितना हो गया फ्रेंड, 250 हो गया। वर्तमान सदस्य कितना है, 245, जिसमें 12 जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जो बचा 233, उसमें 229 जो होते हैं राज्यों के सदस्य होते हैं और 4 जो बचा वो केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछता है पहले सभापति कौन थे, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे। अभी मैंने बताया कि सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति मैंने बताया था। तो कौन होता है, राधा कृष्णन होते हैं। ठीक है, पहले उपसभापति कौन थे, तो पहले उपसभापति थे एस बी कृष्णमूर्ति राव। याद रखना है, एस बी कृष्णमूर्ति राव क्या थे, पहले उपसभापति थे। नेक्स्ट अगर बात करें तो वर्तमान में सभापति कौन है,
तो वर्तमान में सभापति कौन है? एम वेंकैया नायडू, मैंने पहले बताया नायडू है। और ये कौन है? उपराष्ट्रपति है। तो उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका राज्यसभा से संबंधित कुछ बेहद महत्वपूर्ण थ्योरी जो मैंने आपको बताया। चलिए एक बार फिर से रिविजन करते हैं शॉर्ट में। तो सबसे पहले बात करते हैं संसद के बारे में। तो संसद मैंने आपको बताया था 79 आर्टिकल में आता है। कैसे बताया? स से हो गया आपका 7, द से हो गया 10, 710 नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 710 कोई आर्टिकल नहीं है, 10 में एक घटा देंगे, 9 आ गया। तो 79 अनुच्छेद के अंतर्गत आपका संसद दिया हुआ है। संसद का तीन अंग मैंने बताया, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा मैंने एक वीडियो बनाया, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, इसमें हम लोग राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। तो राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। राज्यसभा किस अनुच्छेद में आता है? तो राज्यसभा आपके आर्टिकल 80 के अंतर्गत आता है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का होता है। इसमें हमने बात किया कि राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य विधानसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है। फिर बात किया उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। योग्यता क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक हो। और न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो। सदस्यों की संख्या अगर बात करो तो सदस्यों की संख्या मैक्सिमम अगर बात करें तो 250 होता है। और अगर बात करें वर्तमान में कितने सदस्य हैं तो 245 सदस्य हैं, जिसमें 12 जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। और 233 बचा, 233 में से 229 सदस्य जो होंगे राज्यों के द्वारा राज्यों से सदस्य होंगे। और जो आपका 4 बच गया वो केंद्र शासित प्रदेशों के में जो सदस्य होंगे वो मनोनीत किए जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आपके, अब इसमें आ गया पहले सभापति कौन थे। तो सभापति हमने बात किया कि सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति ही सभापति होता है। तो राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? राधा कृष्णन थे पहले सभापति। अगर आपसे पूछेगा पहले उपसभापति कौन थे, एस बी कृष्णमूर्ति राव, ठीक है, एस बी कृष्णमूर्ति राव थे, क्या थे, उपसभापति थे पहले। अगर पूछे वर्तमान में कौन है सभापति राज्यसभा का, तो आपको याद रखना वेंकैया नायडू है वर्तमान में, क्या है ये आपके सभापति हैं राज्यसभा के, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये सब था आपका इंपॉर्टेंट थ्योरी था जो कि मैंने डिस्कस किया। जल्दी इसे इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, आप कोशिश कीजिएगा उसे बनाने का। मैं प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन जितने भी आए हैं आपके एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में और भी फर्दर कोई एग्जाम में आए हैं, तो उसे डिस्कस करूंगा आपसे, जिसके बाद आपको अपने में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आपको आ गया है, वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया, आपसे हल होने लगा है। आप इस वीडियो को 3 से 4 बार जरूर प्ले करके देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि राज्यसभा के पूरे थ्योरी के बारे में। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए कि इस तरह के वीडियोज आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।